इसके आगे क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, आर को लेंगे, कैपिटल आर को इन दोनों के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इन दोनों के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा, इट इज दी आर वेक्टर क्रॉस एम आई वेक्टर वी वेक्टर। एक चीज और, जो हम ये एल आई कर रहे हैं लास्ट में, हम इसके ऊपर समेशन निकालने के लिए जो एल आई वेक्टर है उसके ऊपर समेशन करेंगे। तो व्हाट आई डू इज, मैं यहीं पे आई को हटा देती हूँ और यहाँ पे आई जस्ट राइट समेशन जो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर लगेगा। यहाँ पर भी मैं समेशन लगा देती हूँ इस पूरे के ऊपर, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, समेशन हर एक के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट प्लस समेशन आर वेक्टर क्रॉस एम आई इंटू वी आई डैश वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस एम आई इंटू वी आई डैश वेक्टर, प्लस अब ये वाला वेक्टर सेम तरीके से मल्टीप्लाई होगा, समेशन आर आई डैश वेक्टर क्रॉस एम आई इंटू वी वेक्टर, प्लस समेशन आर आई डैश वेक्टर क्रॉस एम आई वी आई डैश वेक्टर। ये मेरा पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन चार टर्म्स में से हम कुछ चीज़ें रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, तो उससे पहले थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। समेशन जो ये वाली टर्म है इसको फॉर द टाइम बीइंग हम एज इट इज रखेंगे, समेशन आर वेक्टर क्रॉस एम आई वी वेक्टर, प्लस दूसरी टर्म को हम रखेंगे ये वाली, क्योंकि इसमें सब कुछ डैश में है और वेरिएबल्स हैं, तो एज इट इज समेशन आर आई डैश वेक्टर क्रॉस एम आई वी आई डैश वेक्टर, प्लस अब इसके अंदर, इस टर्म के अंदर अगर मैं समेशन को अंदर डिवाइड करती हूँ, आर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास है, तो समेशन इसके ऊपर लगाने का कोई फायदा नहीं है, समेशन विल गो ओवर दिस, राइट। ऑल्सो वी आई डैश जो है इट इज इक्वल्स टू डी आर आई डैश बाई डी टी, तो मैं इसको क्या करती हूँ, आर को हम बाहर ले आएंगे, आर वेक्टर क्रॉस समेशन, ठीक है, एम आई इंटू डी आर आई डैश वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी, ये एक्सप्रेशन आएगा। इसमें अगर इसको मैं एज इट इज लिखती हूँ, सिमिलरली इसमें क्या होगा, जो वी वेक्टर है उसके ऊपर समेशन का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि वी इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, समेशन सिर्फ इसके ऊपर आएगा। ऑल्सो एम आई कॉन्स्टेंट है तो मैं उसको रीअरेंज करके आगे भी लिख सकती हूँ, तो मेरा प्लस समेशन एम आई आर आई डैश वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर राइट, ठीक है। अब दोबारा से अगर मैं इसको लिखूं, कोई खास चेंज नहीं होएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चेंज हमें क्या करना है, सिर्फ हमें इस वाली टर्म के अंदर लेके आना है, तो आई जस्ट राइट दिस वाली टर्म अभी के लिए। इसमें क्या करेगा, आर वेक्टर एज इट इज रहेगा क्रॉस डेरिवेटिव, एम कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव को मैं बाहर ले आऊँगी, तो डी बाय डी टी समेशन एम आई आर आई डैश वेक्टर, बाकी एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब मेरे पास मेरी चार टर्म्स आ गई हैं जिसको मुझे रिड्यूस करना है टू गेट द रिड्यूस्ड
एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम। इसको अभी यहीं पे होल्ड करते हैं। इसके अलावा मैं क्या बोलती हूँ, सपोज पहले मेरा ओरिजिन जो यहाँ पे था, अब मैं उस ओरिजिन को मानती हूँ सेंटर ऑफ मास के ऊपर। तो सेंटर ऑफ मास इज ओवरलैपिंग विद ओरिजिन। तो अगर मैं एक कैपिटल आर डैश वेक्टर डिफाइन करूँ, विच इज आर डैश वेक्टर, अगर मेरा सेंटर ऑफ मास इज लाइंग और ओवरलैपिंग विद ओरिजिन, तो मेरे सेंटर ऑफ मास और ओरिजिन के बीच में कुछ रहेगा नहीं, तो इट शुड बी अ नल वेक्टर। दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू जीरो। सेंटर ऑफ मास का अगर हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, तो उसका जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन एम आई आर आई डैश वेक्टर ओवर समेशन एम आई, राइट। आर डैश क्या है, एक नल वेक्टर है। रीअरेंज अगर हम करें तो नीचे वाला तो मास का समेशन टोटल मास ऑफ द सिस्टम हो जाएगा कैपिटल एम। इस पूरे प्रोडक्ट को रेशियो को जीरो आने के लिए मेरे को क्या चाहिए कि समेशन एम आई आर आई डैश वेक्टर इज जीरो। इस चीज को हम वहां पे जाके पुट करेंगे, वहां पे जाके पुट करेंगे तो देखेंगे इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है समेशन एम आई आर आई डैश। ये वैनिश कर जाएगा तो हम बोलेंगे दिस टर्म गोज टू जीरो। सिमिलरली समेशन एम आई आर आई डैश इसमें भी है, तो इट विल ऑल्सो गो टू जीरो। एंड एनीथिंग विद क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट और नॉर्मल प्रोडक्ट विद जीरो इज ऑलवेज जीरो। तो मेरे पास सिर्फ दो टर्म्स बचेंगी, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इसको मैं दोबारा से लिख देती हूँ नीचे। तो मेरा एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन है समेशन आर वेक्टर क्रॉस एम आई इंटू वी वेक्टर प्लस समेशन आर आई डैश वेक्टर क्रॉस एम आई इंटू वी आई डैश वेक्टर। ये इसका पार्ट है। सिर्फ दो एक्सप्रेशंस मेरे पास बचे हैं। अगर अब मैं इसको समेशन भी अप्लाई करूं तो क्या होगा, आर के ऊपर समेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, वी के ऊपर समेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मेरे पास क्या आएगा, सिर्फ एम आई के ऊपर समेशन आएगा विच विल गिव मी द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो मैं लिखूंगी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एम इंटू वी वेक्टर प्लस समेशन आर आई डैश वेक्टर क्रॉस, ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पी आई डैश वेक्टर। तो मेरा जो एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन है वो निकल के आएगा ये वाला, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में अगर अब मैं बोलूं कि माय सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दैट मीन्स उसकी कोई मोशन नहीं हो रही है। अगर उसकी कोई मोशन नहीं हो रही है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर जीरो होगा, तो हम बोलेंगे वी वेक्टर इज जीरो। तो इसीलिए जो मेरी फर्स्ट टर्म है विच इज आर क्रॉस कैपिटल एम इंटू वी वेक्टर विल ऑल्सो टर्न आउट टू बी जीरो। और मेरा जो फाइनल एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स मेरा क्या रह जाएगा, समेशन आर आई डैश वेक्टर क्रॉस एम आई इंटू वी आई डैश वेक्टर, जो कि पहले भी हमारा सेम ही निकला था जब हमने जनरल आयत पार्टिकल के लिए निकाला था। तो दिस गिव्स माय एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास का बोलेंगे तो ये आएगा,
उसके बाद सेंटर ऑफ मास को अगर हम रेस्ट पे डाल देंगे तो मेरा वापस से वही आ जाएगा. इज इट क्लियर? इट इज़ अ बिग टॉपिक. लास्ट के दो टॉपिक्स हैं तो थोड़े से बड़े हैं. सबस्क्रिप्ट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. छोटी छोटी चीज़ों से पूरी बात का मतलब चेंज हो जाता है. तो जब भी एक्सप्रेशन निकालो, जनरली हम कॉपी में करते हैं तो बीच में ही सारी चीज़ें पुट करते जाते हैं. एक्सप्रेशन लिखा, बीच में हम ये पुट करेंगे, फिर वो पुट करा. कोशिश करो इसी तरीके से पुट करो कि कॉपी में भी अपने नोट्स बनाते टाइम जो भी तुम्हें पुट करना है वो लेफ्ट साइड में और इन द राइट साइड एक कॉलम बना दो कि जिस स्टेप के बाद कुछ भी पुट करना है उसी के सामने ये चीज़ लिखो. ऑब्वियसली मेरे पास कॉपी नहीं है, मेरे को इसी पे बार बार करना था, लेकिन जस्ट लाइक मैं एक साइड में लिख रही हूँ कि क्या क्या मुझे पुट करना है. तो अब ऐसे पुट कर करके डिफ़िकल्टी है लेकिन कम हो जाएगी. डिफ़िकल्ट नहीं है, बस वो रीअरेंजमेंट है जो सब्सक्रिप्शन में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है. तो इसको करो, बहुत अच्छा टॉपिक है. और इसके साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है. सो थैंक यू. इन वीडियोस को देखिए, लेक्चर्स को देखिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.